हमारे हितों की रक्षा के लिए कानून और संविधान है, लेकिन जब कथा कथित लोग खुद को उससे ऊपर समझने लगे तो क्या किया जा सकता है। लेकिन इन सब से इतर उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। ऐसा ही एक मामला रॉबर्ट्सगंज थाना अंतर्गत सुकृत पुलिस चौकी का है, जहां अंग्रेजी पुलिसिया मानसिकता के लोग एक दायित्व वाले पद पर होने का बाद भी अपनी गरिमा का ख्याल नहीं रखते। अगर कोई आम आदमी अपनी समस्या के लिए उनके पास जाए तो उनके अंदर का एक राजा जाग जाता है और कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए आम जनता को ही सबक सिखाने लगते हैं। हरिशंकर परसाई की एक लाइन है, दिवस हमेशा कमजोरों का मनाया जाता है, कभी अपने पुलिस दिवस मनाते हुए देखा है? हाँ, ये भी सच है कि महान लोकतंत्र में पुलिस को अगर सरकारी गुंडा कह दें तब भी कोई हर्ज नहीं है। ऐसा ही एक मामला सुकृत पुलिस चौकी का आया है, जहां चौकी इंचार्ज साहब किसी माफिया की तरह धमकाते हुए नजर आए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अंग्रेजी पुलिस ने उसे इतना टॉर्चर किया कि उसकी तबीयत बिगड़ गई। जब तबीयत ज्यादा खराब हुई तब निर्जलता से पुलिस ने शिकायतकर्ता के परिजनों को बुलाया और अस्पताल ले जाने के लिए कहा। परिजनों ने हालत बिगड़ती देख नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र मधुपुर ले गए, लेकिन शिकायतकर्ता की तबीयत जस की तस बनी रही। डॉक्टरों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मधुपुर सरकारी अस्पताल में जिला अस्पताल लूडी के लिए रेफर कर दिया है। क्या मतलब क्या हुआ वहाँ पे, इनकी हालत ऐसी बिगड़ गई? हालत इनकी वही बैठाने से बिगड़ी है सर। बैठाने का मतलब क्या, बैठाने से किसी हालत थोड़ी बिगड़ी? उन्होंने बोले कि सर प्रार्थना पत्र दिए थे एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन फेंक दिए, कपड़ा लेके जाओ घर, गांड में जाओ, उल्टा सीधा बोले। उसके बाद घर सिपाही बुलवाए, हम लोग को बैठा दिए, बाहर जाने के नहीं बोले, घर में बैठाए। उसके बाद बाहर निकाल दिए, बाहर कहीं जाने नहीं दिए, पानी पीने जाने दिन, ढोलने फिरने कहीं। किस चौकी का मामला है? सुकरी चौकी। दरोगा कौन है वहाँ के, मालूम है आपको? नहीं मालूम नहीं है, गुप्ता कोई है दरोगा जी? हाँ। अच्छा, तो मतलब किस वजह से इनकी हालत इतना खराब हुई, क्या इनकी हालत? हार्ट की मरीज है, पहले से इनके तबीयत खराब थी। हम बोले कि दवा ये सर भूल गए हैं, दवा हमको खिलाने के लेके जाइए, तो क्या दवा तो हम देकर ठीक कर देंगे। अच्छा, धमकाया उसकी वजह से तबीयत खराब हुई सर, बहुत परेशान की। अभी कहाँ लग गया है? सीरियस हो गए तो हमको छोड़े। अच्छा, 5 बजे छोड़े। कितने बजे से बैठे थे आप लोग? हाँ, हम लोग बैठे कितने बजे से? 11 बजे से। 5 बजे छोड़े? 5 बजे। अच्छा, तो अभी आप लोग एसी में दवा इलाज कराने के लिए आए हैं जी? कैसी तबीयत है बेटी की? तबीयत सीरियस है। घटना की जानकारी के बाद परिजनों में काफी आक्रोश है और घटना के बारे में जिले के एसपी से चौकी इंचार्ज के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देश और प्रदेश में ऐसे हजारों मामले आते हैं जो हम सबके बीच तक नहीं पहुंच पाते। अगर हम एनसीआरएफ के आंकड़ों पर बात करें तो सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूअल डेथ यानी हिरासत में मौत के मामले उत्तर प्रदेश से आते हैं, जहां हर दिन किसी न किसी थाने या पुलिस चौकी में 2 लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में शासन प्रशासन से कोई उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि सबकी अपनी मजबूरियां हैं। अब देखते हैं अरसे से सोए हुए शासन और प्रशासन की आंख कब तक खुलेगी और इस मामले को संज्ञान में कब तक लेती है। हमें भी उस स्वर्णिम पल का इंतजार रहेगा।